एक और नए वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई की जो वैकेंसी है उसके बारे में फुल डिटेल में बहुत ही कम समय में। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई रिक्रूटमेंट 2021 की वैकेंसी 9534 जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। हम बताएंगे आपको वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, कब से फॉर्म ऑनलाइन होगा, क्या इसकी एज रहेगी, क्या कब इसका रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम रहे। होगा, सब कुछ हम आपको बताएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कब से फॉर्म चालू होगा। एप्लीकेशन बीइंग 1/4/2021 1 अप्रैल से फॉर्म शुरू होगा और 31 अप्रैल तक चलेगा जिसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल रहेगी पेमेंट करने की। और जनरल ओबीसी एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें आपको फ़ीस ₹400 ही देनी होगी, वो भी ऑनलाइन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वैकेंसी डिटेल 9534 पोस्ट आई हुई हैं इसके लिए, जहाँ पे आपको सारी पोस्ट दी गई हैं। सब इंस्पेक्टर एसआई 9027 पोस्ट, बैचलर डिग्री होनी चाहिए इनके लिए किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास। प्लाटून कमांडर की 484 वैकेंसी हैं और फायर ऑफिसर की 23 वैकेंसी हैं। इन सब में आपके पास बैचलर डिग्री या उसके समकक्ष कोई भी एक डिग्री होनी चाहिए। नमस्कार, अब बात कर लें कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरह से कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई हैं सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर और फायर ऑफिसर की। ये देखो दी गई हैं जनरल की 3613 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 902, ओबीसी की 2437 और एससी की हैं एसटी की हैं टोटल 9027 हो गए। आप यहाँ से कैरी कर सकते हैं। और यहाँ पे बात करते हैं जनरल ओबीसी की हाइट की। जनरल ओबीसी एससी की हाइट 168 सेंटीमीटर, जिनका चेस्ट 79 से 84 रहेगा, 79 नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर फुलाओ। और मेल की रेस रहेगी 4.8 किलोमीटर जो कि आपको 28 मिनट में पूरी करनी है। यही पर बात कर लेते हैं फीमेल की। फीमेल की जनरल ओबीसी एससी की हाइट रहेगी 152 सेंटीमीटर और इनका चेस्ट नहीं लिया जाएगा, सबसे बड़ी बात यह होती है क्योंकि फीमेल का चेस्ट नहीं मापा जाता है। 2.4 किलोमीटर की इनकी रनिंग होगी, 16 मिनट में पूरा करना होगा। फीमेल एसटी की हाइट में छूट मिलेगी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की, और वही यहाँ पर जो एसटी के कैंडिडेट हैं उनको 160 सेंटीमीटर और उनका 77 से 82 चेस्ट रहेगा, रनिंग सबकी सेम रहेगी। और अब बात कर लेते हैं कि कौन एप्स में अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारण कर लेनी चाहिए, मतलब उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री पास आउट का रिजल्ट होना चाहिए। जो लोग अभी अपेयर में हैं वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और इसके लिए परेशान ना हो, जो अपेयरिंग में है वो कभी भी अभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एज की। भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी दिनांक 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक आयु ना पूर्ण की हो, अर्थात ऐसे कैंडिडेट जिनका जन्म 1 जुलाई 1993 से पहले ना हुआ हो और 2000 के बाद में ना हुआ हो, तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम कैसे रहेगा। इसका एग्ज़ाम रहेगा ऑनलाइन। आपका उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक भर्ती के लिए 2015 संशोधन के अनुसार इस बार 400 अंकों के ऑनलाइन लिखित परीक्षा में अपेक्षित की जाएगी। इस परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 4 अलग अलग निम्नलिखित विषयों के प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें सामान्य हिंदी 100 नंबर की पूछी जाएगी, मूल संविधान और सामान्य ज्ञान 100 अंक का रहेगा, संख्यात्मक अंकगणित आपकी 100 नंबर की रहेगी और मानसिक अभिरुचि जो कि रीजनिंग के अंतर्गत आपके 100 नंबर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन परीक्षा। जो ऑनलाइन परीक्षा ये 2 घंटे की हुई, अर्थात 120 मिनट। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा का एक तिथि को ही एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक तिथियों में विभिन्न पालियों में आयोजित कराई जाएगी। एज पर नीड जैसी आवश्यकता होगी वैसा, अगर ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो एक ही दिन में अगर पॉसिबल नहीं है तो कई दिनों में अलग अलग पालियाँ बनाई जाएंगी। अगर कम कैंडिडेट हैं और तो एक ही दिन में कई पालियों में एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट की हाइट कितनी रहनी चाहिए। जो सामान्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जनरल ओबीसी एससी के लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी कैंडिडेट हैं उनकी 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। अब बात करते हैं चेस्ट कितना होना चाहिए पुरुष अभ्यर्थियों का। तो मेल कैंडिडेट जनरल ओबीसी एससी का जो चेस्ट है वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पे
84 हो जाना चाहिए, और जबकि एसटी है उनका 77 से 82 होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का फुलाव, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर का मिनिमम फुलाव होना चाहिए आपका। अब बात कर लेते हैं महिला कैंडिडेट की, इनकी ऊंचाई जनरल ओबीसी और एससी की ऊंचाई जो रहेगी हाइट 152 सेंटीमीटर 152 सेंटीमीटर, और जो एसटी की कैटेगरी की महिलाएं हैं उनकी 147 147 हाइट रहेगी। और सबसे बड़ी बात, इन लोग का चेस्ट नहीं कंडक्ट किया जाता है, इनका चेस्ट की माप नहीं होती है। बात कर लेते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा की, इसमें जो पुरुष कैंडिडेट हैं मेल कैंडिडेट की रेस होगी 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में दौड़ पूरी करनी होगी, और जबकि फीमेल कैंडिडेट अर्थात महिलाओं को 2.4 किलोमीटर की रेस 16 मिनट में पूरी करनी होगी। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी खबर क्या है नोटिस करने वाली, जो इसमें वो है यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिखा है 1.3 के अंतर्गत प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है तथा यह भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। तो यह भर्ती कभी भी जब UPBRB के अधिकारियों का मन होगा तब वो बिना किसी कारण बताए कैंडिडेट को इसको निरस्त कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप बताइएगा वीडियो हमारा कैसा लगा, अगर सच में अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।